हाँ यश बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ रह गए थे, तो हम आज करते हैं। तो हमने कल 12th तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आते हैं। ये 12, 13 और 14 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, इनको आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जो 13 एक थोड़ी सी एक तरह से इंग्लिश की लैंग्वेज है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। 13 में आपको ये कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। एक कोई वेक्टर दिया है, मैं इसको ए से लेट कर लेता हूँ। लेट दीज वेक्टर इज टू बी ए आई प्लस जे प्लस के, ये है। अब इसका किसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। और जिसके साथ स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, जो है स्केल, यहाँ पे लिखे, देखिए इसका स्केलर प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, दो वेक्टर दिया उनका सम निकालना अपने को। तो जो दो वेक्टर्स दिए वो देखिए कौन कौन से हैं, 2i प्लस 4j माइनस 4k, 2i प्लस 4j माइनस 2i माइनस 5k। तो इनका सम निकालना है तो मैं ऐड कर देता हूँ, और लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। आपको क्या कहा है फिर से देख लीजिए, इसका स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, सम का है तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, और जो आए उसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट वन दिया है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो आप देखिए इनको ऐड करें, तो लैम्डा आई में इसको जोड़ेंगे तो लैम्डा प्लस टू आई, फोर जे और टू जे क्या हो गया आपका 6j, माइनस 5k और 3k, माइनस 2k। ये मान लीजिए ये आपका वेक्टर b है, क्या है, वेक्टर b। अब आपको b के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको इसके यूनिट वेक्टर के साथ लेना है। तो यूनिट वेक्टर पहले आप इसको बनाएंगे तो आपको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4। अब आप इससे डिवाइड कर दें तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा। देखिए मैं कंप्लीट बाहर ही डिवाइड कर लेता हूँ इनको, प्लस 6j माइनस 2k। तो ये है आपका, इनको ऐड भी कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस 44 ही आपका हो जाएगा। अब ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया है वेक्टर ए डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1। इस वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 1 दिया है, तो हमें इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आप ये जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई जे के कोफिशियंट को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो बिल्कुल बाहर है, तो आप इसको बाहर ही रख लीजिए। ए डॉट बी कैप क्या होगा, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ब्रैकेट में आई के कंपोनेंट का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आई का कंपोनेंट लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा प्लस 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू 6, और यहाँ पर भी फिर 1 है और यहाँ पे की क्या है कोफिशियंट माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1 क्या यही होगा, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आया लैम्डा, देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये स्क्वायर ओपन कीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये 4 लैम्डा को आप इस साइड ले आइए तो क्या बचेगा, 8 लैम्डा
और ये 44 है आपका, और 36 को इस साइड ले जाइए, 46 माइनस 36 8 हो जाएगा, और ये आपका 8 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए। ये वेक्टर दिया इसका, जो भी दो वेक्टर्स दिए इनके सम के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट 1, बस यही आपका कंसेप्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अपने को दिया वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी सी ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल। देन सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वली इंक्लाइन टू द वेक्टर ए बी एंड सी। देखिए क्या मतलब है, रफ कर रहा हूं मैं इसे, देखिए आपको ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया है, ये 14 क्वेश्चन है आपका, तो क्या आप ये लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और प्लस आपने को ये दिया है कि ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल, तो मैं इनको लैम्डा लेट कर लेता हूँ। भाई तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो मैं तीनों का कहीं पे मैग्नीट्यूड आएगा तो वहाँ पे लैम्डा रख लूँगा। अब अपने को करना क्या है इसमें कि सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मेक्स एंड इक्वल इंक्लाइन टू द वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, मतलब ये जो वेक्टर है वो ए के साथ जो एंगल बना रहा है, बी के साथ जो एंगल बना रहा है, सी के साथ जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि दीज वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा 1 विद वेक्टर ए और थीटा 2 विद वेक्टर बी और थीटा 3 विद वेक्टर सी, ये जो भी एंगल है ये मैं लेट किया हुआ हूँ, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, मतलब ये वेक्टर ए के साथ थीटा 1 बी के साथ थीटा 2 सी के साथ थीटा 3। अब आप देखिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो जब भी एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जिन भी दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है उन दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट हो जाता है और नीचे उन्हीं का मैग्नीट्यूड। तो मुझे ये एंगल थीटा 1 निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोस थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो इन्हीं दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा और नीचे इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये डॉट प्रोडक्ट आप ओपन कर दीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये और ये क्या जीरो हो जाएगा ऊपर, देखिए क्योंकि अपने को ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया तो ए डॉट बी ए डॉट सी तो हो गया जीरो। अब ये सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नीचे यही सेम मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये दो बार है, एक बार क्या ये कैंसिल हो जाएगा कोश थीटा 1। अब मैं मैग्नीट्यूड ए की जगह क्या लैम्डा रख सकता हूँ, बी का भी मैग्नीट्यूड आएगा वहाँ पर भी लैम्डा रखूँगा, सी का मैग्नीट्यूड आएगा वहाँ पर भी लैम्डा रखूँगा, तो कोश थीटा 1 की वैल्यू जो आ गई अपने पास लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। दूसरा वाला एंगल निकाल लेते हैं और तीसरे वाले को सिमिलरली करके लिख देंगे। अब मैं ए प्लस बी प्लस सी बी के साथ एंगल निकाल रहा हूँ तो वो एंगल थीटा 2 है आपका, तो कोस थीटा 2 क्या होगा बेटा, बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, नीचे इन्हीं का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, नीचे बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए जीरो होगा ये जीरो होगा बिल्कुल, तो ये क्या आ गया आपका, ये मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, नीचे बी का मैग्नीट्यूड, फिर क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये किसकी वैल्यू है कोस थीटा 2 की।
अब मैग्नीट्यूड जो बी है, फिर मैं वहाँ एक एक कैंसिल हो गया, इससे सिर्फ एक ही बचा, क्या मैं उसके जगह लैम्डा रख दूंगा? बिल्कुल, ये कोश थीटा टू की वैल्यू आ गई, ये आपके कोश थीटा वन की वैल्यू है। अब आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, यहीं पे कोश थीटा थ्री क्या आएगा, देखिए दोनों में लैम्डा ऊपर आया है, नीचे वहीं सेम आया है, ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, कोस थीटा वन इज इक्वल टू कोस थीटा टू इज इक्वल टू कोस थीटा थ्री। तो यहाँ से कैन यू राइट थीटा वन इजक्वल टू थीटा टू इजक्वल टू थीटा थ्री। यही आपको शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए से बी से और सी से इक्वल एंगल बनाया है, तो जो एंगल हमने लेट किया था तीनों इक्वल हैं, यही प्रूव करना अपने को। ये तो रही बात क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिल्कुल छोटा सा है, आप खुद कर लेना, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बना देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा है। तो ए डॉट बी, ये 16 है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप डॉट प्रोडक्ट को क्या ऐसे लिख सकते हो, देखिए आप ये दोनों मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर दीजिए उधर ले जा करके, कोश थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप देख लीजिए कि कोश थीटा की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी कब होती है, हम कहेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आपको लेना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से पाई बाई टू। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से होगी और पाई बाई टू तक होगी। देखिए दोनों पर इक्वलिटी आएगी, क्या आएगी, इक्वलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सिर्फ 18 करा रहा हूँ, इसमें बाकी जो भी है वो बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल आसान वो आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ और फिर मिसलेनियस में हम चलेंगे। देखिए इधर अभी क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा यूज है। आपको ये दिया है आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट जे क्रॉस आई, आई थिंक होगा, सॉरी आई क्रॉस जे। मैं आपको बताया था कि भाई दो वेक्टर के अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आई जे के में है तो थर्ड वाला आएगा, बस वो थर्ड वाला या तो प्लस में होगा या माइनस में, ये अपने को देखना है कि जो रोटेशन है वो सेम फॉलो कर रहा है या अपोजिट। अगर अपोजिट होगा तब तो वो माइनस में होगा, अदरवाइज वो प्लस में। जैसे जे के है तो आई आएगा, ऑब्वियसली आई के है तो जे आएगा, आई जे है तो के आएगा, बट वो प्लस में आएगा या माइनस में, बस यही देखना अपने को। ये आई डॉट, देखिए जे के बाद के आता है, बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आई प्लस जे डॉट। अब देखिए आई क्रॉस के लिखा, आई के बाद के नहीं आता, आई के बाद तो जे आता है, ये क्या है आई क्रॉस के, हाँ के बाद आई आएगा, दोबारा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये सेम रोटेशन में नहीं है, तो ये माइनस जे आ जाएगा आपका प्लस के क्रॉस, सॉरी के डॉट। अब देखिए आई के बाद जे आता है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा वाला के। और हम ये जानते हैं कि सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है और यूनिट वेक्टर है ये तो वन होगा, तो ये आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे माइनस में है तो माइनस वन होगा, के डॉट के ये वन, इसे कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन। अब हम मिसलेनियस में चलेंगे, सॉरी ये आपका यहाँ पर होता है ख़त्म चैप्टर 10th। अब हम चलेंगे 3D में जो अपना चैप्टर 11 है, तो इसमें देखिए कुछ जो 11.1 है ये टोटली बेस्ड ऑन
वेक्टर, वो वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो हम 11.1 कर लेंगे। बस इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चैप्टर 11 3D, बस 3D में आपको ये देखना है कि जैसे हम ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की मैं बात करूँ, लेट द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज टू बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है x2 y2। तो हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये कहते हैं कि ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट ये हम 3D में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट और आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट और आपका ले लेंगे, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3D में क्या होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 या xyz, तीनों अपने को लेना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा z2, तो ये फार्मूला भी क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही क्या। अब जैसे मैं इसी में मिड पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए सी इसका मिड पॉइंट है, तो अभी तक हम 2D में पढ़ते थे, मान लीजिए सी इज द मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, अभी तक तो हम ये सिर्फ पढ़ते थे x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, अब तीसरा भी क्या ऐड हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही सेक्शन फार्मूला हम पढ़ते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, ये तो 2D में हुआ, अब मैं तीसरा लिख लिया z1, ऐसे ही x2 y2 और z2। अब मान लीजिए कोई पॉइंट सी है जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो मुझे सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका, सी का कोऑर्डिनेट। तो देखिए क्या होगा, आपने ये सीखा है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इंटरनली की बात कर रहा हूँ मैं, फिर y वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बस ये तीसरा वाला ऐड होता जाएगा। देखिए m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। तो ये तो हम बात रही फार्मूले से रिलेटेड। अब एक बात इसमें हम और करेंगे कि जैसे हमने वेक्टर में डायरेक्शन को साइन पढ़ा था, वेक्टर में क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्शन को साइन, तो जो डायरेक्शन को साइन होते हैं वो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही पढ़ा था क्या हमने, लाइन में भी यही होगा। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए जैसे मैं एक बना लेता हूँ, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है जेड एक्सिस है। मैं एक ही लाइन लेके जैसे मैं वेक्टर की अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ये है ऐसे, या अलग से मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, तो अगर मैं वेक्टर की बात कर दिया तो ये फ्रॉम ए टू बी है, और अगर मैं लाइन की बात करूं ये तो आपका है क्या वेक्टर, तो इसमें अगर एक्स एंगल जो बनता है तो उसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ। तो जो मैं वेक्टर के केस में डायरेक्शन कोसाइन लिखा था क्या थी, वो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही थी डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के केस में। बट अब मैं लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन की बात करूंगा, लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन, अब मैं यहीं पे लाइन बस बना देता हूँ, तो आप ये जानते हैं कि अगर लाइन है तो दोनों तरफ वो ड्रॉ हो सकती है, ऊपर भी ड्रॉ हो सकती है नीचे भी हो सकती है। अगर मैं ये एंगल की बात करूं, ये एंगल अगर अल्फा है तब तो ठीक है, आपका वहीं डायरेक्शन कोसाइन होगी कोस अल्फा, ऐसे ही कोस बीटा और कोस गामा। बट एंगल यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, अगर ये एंगल हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि लाइन तो नीचे भी आ रही, और वेक्टर में बस आप इधर नहीं ले सकते क्योंकि वेक्टर फ्रॉम ए टू बी हो गया, इसको तो हमने कह दिया फ्रॉम ए टू बी, इसलिए तो ये नीचे आ नहीं सकता क्योंकि नीचे तो हम ले ही नहीं सकते, ए से स्टार्ट के इसकी इनिशियल पॉइंट होगी। बट लाइन, लाइन तो ऊपर और नीचे दोनों होगी, तो ये वाला एंगल क्या होगा पाई माइनस अल्फा, वैसे बीटा में पाई माइनस बीटा, गामा में क्या होगा पाई माइनस गामा। तो एक सेकेंड पार्ट भी डायरेक्शन कोसाइन का हो जाएगा, कोस पाई माइनस अल्फा कोस पाई माइनस बीटा कोस पाई माइनस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया सेकेंड पार्ट। मतलब कहने का पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा
माइनस कोस गामा, मतलब लाइन में डायरेक्शन कोसाइन पेयर वाइज हो जाएगी हमारी। कैसे हो जाएगी? पेयर वाइज, मतलब प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। जैसे वो आप यहाँ से देख लीजिए, अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। जैसे एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 30, 150 उस बेस पर। तो मैं इस पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने 3D के। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो अपने को कोई लाइन दे रखा है, डायरेक्ट एंगल ही दे रखा है, लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए आपको एक्स एक्सिस का एंगल आपको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है और गामा दे रखा है, और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना। तो 90, 135, 45 ये दे रखा है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, ये कोई नई बात नहीं, आपने पढ़ा है, बस यही मुझे बताना था एक्स्ट्रा कि भाई ये वाला एंगल भी हो सकता है। तो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा, ये भी हो सकता है लाइन के केस में। अब देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको सिर्फ रखना है कोस 90, कोस 135 एंड कोस 45। अब कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 135 आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45, और ये कोस 45 आप डायरेक्ट लिख देंगे 1/√2। अब 90 प्लस 45, ये जानते हैं कि 90 प्लस करते हैं तो इंटरचेंजेबल होता है, वो साइन में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, तो साइन 45 1/√2, ये क्या हो गया 0 माइनस 1/√2 और ये 1/√2, ये हो गया आपका। अब आज के लिए बेटा इतना ही, आप इन्हें रिवाइज करेंगे और बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।